भारतीय जनता पार्टी अपना टारगेट 300 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद वाली, योगी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार बनेगी। सरकार बनने जा रही है, बहुमत से बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। लेकिन सपा का चाल चरित्र वो जनता के सामने आया, जनता को समझ आया है कि एक तरफ योगी जी की सरकार है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती, और एक तरफ वो लोग हैं जो अपनी पार्टी में दंगइयों को, गुंडइयों को बिठाकर घुमा रहे हैं। अभी दाऊद से मिले पैसे पर नवाब मलिक अरेस्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में नवाब मलिक अरेस्ट होते हैं, लखनऊ में अखिलेश जी के पेट में दर्द होती है। ये दाऊद, नवाब मलिक और अखिलेश का रिश्ता क्या है, बता तो दीजिए, ये रिश्ते का नाम क्या है, किस नाम से हम इस रिश्ते को पुकारें? यूपी की जनता जानना चाहती है। दाऊद, नवाब मलिक और अखिलेश के मध्य का ये रिश्ता क्या है और इसको क्या नाम दें? ऐसा है कि पिछले वाला आंकड़ा भी पूरा नहीं होगा, पहले दो भाई निकले थे, अब तो जनता ने अजमा लिया, देख लिया, जांचा, खरा परखा नेतृत्व। श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी का नेतृत्व जो यूपी को बीमारू से आगे बढ़ता हुआ राज्य, तरक्की वाला राज्य, गुंडई मुक्त राज्य, इंडस्ट्री युक्त राज्य बना रहे हैं। एक जमाना था जब यहाँ पर उद्योग था उपहरण, सरगना थे ये सपा के लोग, उद्योग था गुंडई, उद्योग था दंगई, और रा प्रोडक्ट बनाए जाते थे कट्टे, हथगोले, पोटाश बम, पेट्रोल बम, बेटियों को पकड़ना, बेटियों को अपमानित करना, एक तरह का उस समय शासन व्यवस्था का हिस्सा बन गया था। अब नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार है, यूपी अब कट्टे नहीं बनाता, ब्रह्मा मिसाइल बनाता। देखिए, न्यायालय, न्यायालय कर्नाटका का न्यायालय स्पष्ट कर चुका है, गणवेश, स्कूल का गणवेश एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है, अनुशासन का हिस्सा रहता है, लेकिन उस पर राजनीतिक रोटियां सेकना और छदम धर्म निरपेक्षता के नाम पर स्कूल के व्यवस्था को खराब करना, ये निंदनीय है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाए। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की स्पष्ट नीति है जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। हम तो वो हैं जिन्होंने करके दिखाया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हम तो आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारते हैं, तो अपने घर में घुसों को कहाँ छोड़ेंगे। जो अपराधी है, जो देश को तोड़ना चाहता है, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, योगी जी के नेतृत्व की यूपी की सरकार किसी भी सूरत में उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। और आजमगढ़ का ये मुलायम सिंह यादव जी का क्षेत्र है, और अहमदाबाद बम ब्लास्ट का क्या रिश्ता है, कौन लोग हैं, ये हर तार सपा के साथ क्यों जुड़ जाता है? जवाब तो देना पड़ेगा अखिलेश जी, जवाब तो देना पड़ेगा।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।